अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना भजन को सुना बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते होंगे। इंजन बच्चों को अगर बांटना है मैं इंजन करूँगा। मैंने कहा मतलब एक्सचेंज कर लेंगे आप दोनों। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत नगर निगम ग्वालियर ने कमजोर वर्ग की महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया था और लंबी अवधि तक इन्होंने बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तत्पश्चात उनको आज प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में 80 बहनों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिन बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है इनको रोजगार देने का भी काम नगर निगम ग्वालियर कर रहा है। कल इन बहनों को ऋण देने का काम और भी हमारी बहनें किसी अन्य रोजगार स्थापित करना चाहती हैं उनको ऋण दिया जाएगा, उनका रोजगार स्थापित किया जाएगा और जहां भी प्राइवेट कंपनियों में संस्थाओं में अगर नौकरियां रिक्त होंगी तो पहले इन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को उन नौकरियों में भर्ती किया जाएगा, इन्हें रोजगार दिया जाएगा। आज जिन बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है सभी को हम सब लोगों ने इस क्षेत्र के पार्षद हैं जगत सिंह कौरव, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के जिला संयोजक श्रीवास्तव जी हैं, पप्पू परियार जी हैं, यहाँ पर उनको प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार को भी हम सम्मानित श्री शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने ऐसी योजना प्रारंभ की, सभी बहनों को रोजगार मिल रहा है। मैं पुनः सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।